What the fuck it is, man? चिवला विलेज एंड इट्स इन द मालवन। सो चिवला में हम रहने वाले हैं, वहाँ पे होटल बुक किया है और उसके बाद हम हुए बीच और न्यूती बीच, ये दोनों जगह पे एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी, दो दिन है वहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत बोले तो मेरे नेटिव प्लेस में, मेरे नेटिव प्लेस में दैट इज़ इन कोल्हापुर कारगोटी। लेट्स सी कोकण के हालात कैसे है। विल सी यू ऑन बाइक, बाइक इज हियर performing really well. So friends, it's 7:30. I am half an hour late on my schedule. Roads खाली है, सुबह की मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार, और ये दोनों साइड शुगर केन की farms. Wow. इतनी प्यारी जगह है यार ये, और एकदम शुद्ध हवा मिलेगी आपको यहाँ पे, एकदम शुद्ध। So friends, यहाँ पे तो रोड की पूरी वाट लगा के रख दी है यार, कुछ स्पीड अचूक करने मिल ही नहीं रहा है। देख लीजिए रोड की हालत, बाजू में नया रोड बना रहे हैं भाई, वो बना रहे तब तक पुराने रोड की भी माँ बहन कर रहे हैं। इट्स लुक लाइक आते हुए हमें वापस अम्बोली घाट लेना पड़ेगा, विच आई यूज वाइल ट्रैवलिंग टू गोवा। तो पूरी खड़ी डाल के रख दिए ने यार, उस वजह से टायर में प्रॉपर ग्रिप नहीं मिली, टायर स्लिप हो रहा है उस खड़ी के ऊपर से, और उसमें हम है ट्रिपल सीट। कुछ ग्रिप ही नहीं मिल रही यार टायर को, खराब रोड। और ये रहा लाल डब्बा, वो भी आया है मालवण से, सिंधुदुर्ग मालवण, तो वो जहाँ जा रहा है वहीं पे जाना है हमें भी। गांव में आए और लाल डब्बा नहीं दिखा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्या हम जाए, चलो हम जाते हैं। वाव, एंड आई एम करंटली एट राधा नगरी घाट। रोड बीच में अच्छा है, बीच में वापस ख़राब है, अभी तो आगे दाजीपुर जंगल लगेगा। और एक ही इस रोड से ट्रैवल करने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। सो इस रोड पे हमने साइकिल भी चलाई है बचपन में, हाँ, गारगोटी से यहाँ तक साइकिल के ऊपर आए थे हम दाजीपुर फॉरेस्ट में घूमने के लिए। फोंडा घाट इज 36 किलोमीटर्स अहेड, और हम लग गए हैं जंगल में। रोड अच्छा होता तो जंगल को देखने में मज़ा आता। शिट, शिट। देखिए वो बिश्मी का ये पैचौरिया रोड देखिए, अच्छा है तो बनाने वाले ने क्या सोच समझ के रोड बनाया है। गणपति बप्पा मोरिया, वाह कैसे बनाया है, ब्यूटीफुल। आ गया खराब पैच, क्या है, कितना बड़ा रोड है, और रोड की हालत देखिए, देखिए क्या फ़ायदा इतना बड़ा रोड हो के। अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट यार, कुछ कर्नाटका गवर्नमेंट से सीखो यार, क्या रोड्स बनाते हैं वो लोग, क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है यार।
सुपर जंगल ग्रीनरी, मस्त ठंडा ठंडा फील होता है यहाँ पे। यार जब से मैं कन्याकुमारी से आया हूँ ना, तब से कुछ ज़्यादा ही डिमांड करता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रोड्स के बारे में। मैं भूल ही गया महाराष्ट्र में ऐसे ही रोड निकलेंगे। ये देखिए शिट यार, गाड़ी को थर्ड या फोर्थ गियर में डालने को देते ही नहीं है यार। चलो आपको अभी क्या बोर करो ये सब गंदे रोड दिखा के, मिलता हूँ आपको आगे। फ्रंट सीट 813 जस्ट टू कन हॉल्ट बिकॉज ये रोड्स बहुत घटिया है यार, हाथ दुखने लगे। सो जस्ट टेक अ हॉल्ट, आपको दिखा देता हूँ पूरा जंगल, देख लीजिए जंगल। So from here the Kolhapur border ends and we are officially enter Konkan, that is Fonda Kankavli। माँ जाने दो हमें गो माता, धीरे धीरे चल रही है, कुछ सोच रही लगता है। दोनों साइड माउंटेन वाला थोड़ा रोड लगेगा, उसके बाद फोंडा घाट स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार कम से कम वो घाट का रोड तो अच्छा रखते। वाओ, कोल्हापुर जिला हद समाप्त, बाय बाय कोल्हापुर, सी यू इन 3 days। इधर से तो नहीं आएंगे बॉस, कोकण में आपका स्वागत है। अरे यार क्या है ये शिट, ये घाट का रोड भी वैसा ही यार, क्या आपको दिखा। मैं सोचा था लास्ट टाइम जैसे अम्बोली घाट जैसे फोंडा घाट दिखाऊंगा, क्या आप दिखाऊं आपको सब खड्डे। सावर ड्राइवर सुंदर सफर, क्या सावर ड्राइवर, ये रोड पे क्या ड्राइवर सावध ही रहेगा। रोड बनाओ उसके बाद ये होर्डिंग्स लगाओ। लुक्स लाइक समथिंग इज रॉन्ग हियर। क्या है भाई ये क्यों बंद करके रखा है, चढ़ नहीं रहा है तो पीछे लाइन लगा दी तूने, शाबाश। इतना लोड लेते क्यों विंजो, तुम्हारी गाड़ियां चढ़ती नहीं है तो। शिंडू डूर को कहा कोटो टू चौना टू फोंडा 9, स्टील 9 किलोमीटर का घाट है अभी भी। One eternity later, friends finally फोंडा घाट is over, worst घाट, worst घाट बोले तो रोड, घाट तो बहुत अच्छे लगते यार ट्विस्टेड टर्न मारने के लिए। अब ये लगेगा फोंडा विलेज, फिर उसके बाद हमें लगेगा बॉम्बे गोवा हाईवे, देन बॉम्बे गोवा हाईवे पे लगेगा कनकौली विलेज, फिर कनकौली विलेज से हम स्ट्रेट जाएंगे और कसाल करके विलेज रहेगा, वहाँ से हमें लेनी है राइट टर्न शिवशाही उड़ाल से चिंचवड़। सो दिस इज द मुंबई गोवा हाईवे NH67, उसके ऊपर भी जोरों शोरों से काम चालू है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या हालत होती है। इट्स 10:06, कनकौली 6 किलोमीटर अहेड। बॉम्बे गोवा हाईवे भी जब टकाड़क हो जाएगा ना पूरा यार, बहुत मजा आएगा बाइक राइड करने के लिए, पूरा सीमेंट का रोड होने वाला है। उसे थोड़ी जल किया तो आप लोगों ने मेरे गुआगर वाले व्लॉग में देखी होगी, ये देखिए सीमेंट, परफेक्ट सीमेंट रोड। अगर आपने नहीं देखा है गुआगर के व्लॉग्स तो उसकी लिंक्स अभी आई बटन में आ जाएंगी, देख लीजिए। इट्स कनकौली विलेज। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये चीज़ मेरे साथ बहुत रेयरली हो रही है अभी,
क्या आपको दिख रहा है गियर इंडिकेटर बाइक का? देख लीजिए डैश आ गए वहाँ पे। आई डोंट नो कौन से गियर में गाड़ी है अभी, तो ये भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। लास्ट एक दो महीने से मैंने देख लिया, थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है वो। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सेंसर। और एक चीज़ फेस कर रहा हूँ मैं, बाइक का जो की होल है ये जो उसके अंदर की आप इंसर्ट करते हैं वो, उसका एक स्क्रू गिर गया है, तो इसके लिए जो होल्डर है वो हिल रहा है। और वो होल्डर अगर वो स्क्रू की एक परफेक्ट एग्जैक्ट पोजिशन में नहीं रहेगा तो आपका स्टेयरिंग लॉक नहीं होता है। प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ दिट। तो आपको वो होल्डर उस कंडीशन में रखना ही है। तो उसके अंदर 10 नंबर का स्क्रू जाता है, तो मैंने ट्राई किया और वो 10 नंबर का स्क्रू प्रॉपरली नहीं बैठा उसके अंदर। तो मुंबई में मैंने डाल दिया था, तो इधर आके देखा तो स्क्रू किधर गिर गया वापस। अभी वाले रोड्स तो आपने देख ही लिया, ऐसे रोड्स पे तो जो वो है वो स्क्रू भी गिर जाएगा तो की होल्डर पूरा निकल जाएगा। उसके लिए मैंने एमसील लगा दिया उसको कल, ताकि ये जर्नी होने तक तो वो की होल अपनी कंडीशन में रहे। अभी आप देख सकते हो अभी तक गियर इंडिकेटर नहीं आया है। सो ये दो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लास्ट 2 महीने से बाइक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, पूरा रोड होने के बाद ऐसा रोड होने वाला मस्त मस्त सीमेंट का, ये इतना बड़ा और वो उतना बड़ा, और मेन प्लस पॉइंट देयर विल बी अ डिवाइडर। Isn't it cool? So this is the Kasal ST bus depot and this is Goa Highway. यहाँ से हमने Goa Highway छोड़ दिया, अभी हमने अंदर का रोड ले लिया है फॉर मालवन। तो डिस्टेंस यहाँ पे अच्छा कवर किया था, मगर यहाँ पे भी रोड का काम चालू है। So मालवन is just 22 kilometers from here. Climbing down a small ghat. Malwan is just 3 kilometers ahead. This road directly goes to Chivla Beach and here it is my hotel. Hotel Chivla Beach. So friends, it's around 11:45. The hotel management is so kind that they allow me to do check-in 15 minutes before. We have beautiful view here and our room number is 105. It's giving you a room tour. Beds, sit-out area, tip-boy, TV, and main thing AC. Thanks cupboards, beautiful paintings, bathroom, and from here I can have view to my bike. So far so good. So friend, now I have came at this place, Atithi Bamboo. So this is the story of this hotel. It is very famous to have fish food in Malwan. Malwani katta and the placing arrangement. So friend, this is the menu card for today. You can check out the rates. So we have ordered this. This is the khekda thali. This is the fry prawns and this is the bangra thali, speciality of Malwan. So we have stampage of foot of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj here.